ट मी नो दैटेबल ऑन आउट सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर एंड दिस लेक् जी आई टैक ठीक है ठीक है दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ द जी आई टैक एंड दिस इज फॉर द प्रेजेंट्स ट्वेंटी ट्वेंटी इम्पोर्टेंट जी आई टैक है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स है वो हम इसके अंदर आपको पढ़ा रहे हैं राइट so before start i want to let you know that you are at an academy platform and if you want to crack your examination with india's largest learning platform that is an academy then you have to click on the that option link that you will find on an academy website as well as an academy application right and after taking the subscription you will get following features like daily live classes structure courses live test and quizzes and unlimited access these are the different, different features that are provided by the academy see an academy is a big platform And approximately 100 plus top educators are there on an academy. So these top educators will be in service of yours once you join the academy plus. Apart from that, comprehensive coverage of syllabus provided by the academy. Approximately 15,000 plus courses are there for the UPSC CSE category, right? इसी की तरह हम देख सकते हैं कि 25 अगस्त से नए बैचें स्टार्ट हो चुके हैं अनकैडमी पे, इसी तरह से 1st सितंबर से भी नए बैचें स्टार्ट हो चुके हैं. Apart from that, this is the free structure. अगर आप free स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर तो अभी जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी विल बी द फीस दिस विल बी द प्रीलिम्स मेंस एंड नो ऑप्शनल विल बी प्रोवाइड इन दिस वन एंड सी साइड विल बी देयर अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स और नोट्स भी यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे बट यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट इज देयर सो अभी इसकी फीस इफेक्टिव फीस इज फोर्टी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं ठीक है इसी तरह से एक आइनिक सब्स होता है आइकैनिक सब्शन के अंदर क्या होगा टीम ऑफ पेंटर्स दैट विल गाइड यूंग विजुकेटर्स आई कैन इनके अंदर पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिस एक्सपर्ट गाइडलाइस स्टडी मटेरियल स्टडी प्लानर ये आपको प्रोवाइडी राइटलीट वी नो दैट आई एम ऑर्डेबल इन द्लास एनी वन इन द्लास कैन लेट वी नो दैट आई एम ऑर्डेबल नॉट ओके तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कि यहां पर तो फीस जो थी इफेक्टिव फीस अब डिक्रीज हो गई है और इफेक्टिव फीस विल बी फोर्टी थाउजेंड फॉर द जी एस एंड कॉम्बो के लिए जिसके अंदर ऑप्शन सब्जेक्ट भी है फोर्टी सिक्स थाउजेंड विल बी द फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फोर्टी विल बी द फीस फॉर द कॉम्बो राइट सो यहाँ पर लाइव डी कोड यूज़ करिए आप और इसके अंदर इस तरह से अवेलेबल डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे राइट थ्री इन वन ऑफर इज गोइंग ऑन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बान अकेडमी इसी की तरह लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड और एक टू मंथ का स्पेशल सब्फिन है फॉर द प्रलिम्स ट्वेंटी दैट राइट चलिए तो ये मेरी अन अकेडमिक प्रोफाइल है डू फॉलो दिस वन ठीक है क्योंकि यहाँ पर 50% परसेंट ऑफ क्लासेस मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर ठीक है और 50% परसेंट में यूट्यूब पर लेता हूँ राइट चलिए तो जी आई टैक्स के बारे में हम पढ़ चुके थे दिस इज पार्ट सेकेंड जी आई टैक्स क्या होता है ये हमने समझा था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कि उस पर्टिकुलर प्लेस की आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना कि ये पर्टिकुलर प्लेस पे ये आ, जो है अपन को आइटम मिलता है दैट इज नोन एज फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जोग्राफिकल इंडिकेशन क्यों किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है क्या इसके बेनिफिट्स हैं ये सब अपन ने बात कर दी अपन ये समझा था कि फर्स्ट जी टैग जो था दैट वॉज दार्जिलिंग टी राइट और इसके अंदर जो स्टेट था वो आसाम था आ, आ, स्टेट था वो वेस्ट बंगाल था राइट right? इसी तरह से हमने कहा था लास्ट जो है वो सोहराई खोवर पेंटिंग ये क्या होता है ये अपन आज पढ़ेंगे ठीक है और जी टैग की डेफिनेशन अपन समझी थी और चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी के आसपास टेक पढ़ चुके हैं दिस इज पार्ट सेकंड वीडियो ठीक है ये पार्ट सेकंड है टेक का सो दो स्टूडेंट द पार्ट फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज दैट एंड देन ओनली कम टू दिस वन राइट चलिए नेक्स्ट इज कोविली पट्टी ठीक कोविल है पट्टी पट्टी कडलाई मिठाई ठीक है ये देखिए पट्टी कडलाई मिठाई बहुत ही खतरनाक सा नाम लग रहा है ठीक है और इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो और भी खतरनाक है पीनट्स हेल्ड टुगेदर ठीक है मूंगफलियों को एक साथ रखते हैं विद ग्लिस्ट्रिक स्ट्रिप्स ठीक है एंड टॉप्ड विद द विस्प ऑफ ग्रेटेड कोकोनट डाइड पिंक ग्रीन एंड येलो सर ये है क्या चीज ऐसी क्या चीज बना दी तो ये कुछ नहीं है बच्चों ये जो अपनी होती है ना मूंगफली की गजक ठीक है जो अपन खाते हैं गर्मियों सर्दियों में राइट वही है ये जिसको अपन तिल पट्टी भी बोलते हैं राइट तो ये तमिलनाडु के अंदर मिल रहा है और इस मिठाई का नाम है कोविल पट्टी कडलाई मिठाई ठीक है तो कोविल पट्टी कडलाई मिठाई कहीं आ जाए तो तमिलनाडु आपको लगाकर आना है दिस इज इन द तमिलनाडु ठीक है अब इसकी विशेषता तो मैंने आपको बताई दी है राइट इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए इट इज मेड ऑल नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स सच एज ट्रेडिशनल एंड स्पेशल वेलम जैगरी मतलब गुड़ जो होता है यहाँ पर जो गुड़ मिलता है उससे बनती है एंड ग्राउंड नट्स एंड वाटर फ्रॉम द रिवर थार भरनी रिवर इज यूज फॉर द प्रोडक्शन इसका इस रिवर का वाटर यूज किया जाता है ठीक है दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कभी ऐसा होता है ना पानी का भी स्वाद आने लग जाता है राइट right? तो ये है कि तमिलनाडु की ये जो रिवर है इसका पानी यूज किया जाता है और स्पेशल यहाँ पर गुड़ यूज किया जाता है इससे इसको एक स्पेशल टेस्ट और फ्लेवर मिलता है दैट इज कोबिल पट्टी कडलाई मिठाई इज दिस क्लियर हाँ? चलिए नेक्स्ट इज तेलिया रुमाल तेलिया रुमाल इस तरह का दिखता है देखिए तेलिया रुमाल तो और इट इन्वोल्व इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट इंट्रीग्रेट हैंडमेड वर्क विदन लूम डिस्प्प्लेंग वराइटी ऑफ डिजाइन एंड मोटिव इन थ्री पर्टिकुलर कलर्स ठीक है तीन पर्टिकुलर कलर्स होते हैं इसके अंदर एक तो रेड होगा और एक ब्लैक होगा और व्हाइट होगा ठीक है तो रेड ब्लैक व्हाइट कलर का यह तेलिया रूमाल होता है इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है कोई मेरे को बताएगा कौन सी स्टेट का ये एनी बडी इन द क्लास विच स्टेट हाँ जो भी चिक्की तिलकुट्टी जो भी बोलते हैं इसको बदाम पट्टी हाँ राइट जल्दी बताए विच स्टेट इट बिलोंग्स विद और जोग्राफिकल इंडिकेशन कौन सी स्टेट को मिला इसके लिए बताए ठीक है तो ये हैदराबाद के अंदर मिला है राइट तेलिया रुमाल को हैदराबाद की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है ठीक है और इसके अंदर देखेंगे रेड ब्लैक एंड व्हाइट कलर होता है इसके अंदर पर्टिकुलर रेड ब्लैक एंड व्हाइट कलर आते हैं राइट एक बार देख लेना शायद तेलंगाना भी हो सकता है मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर तेलंगाना या है फिर हैदराबाद है ना एक बार आप देख लीजिएगा इसको राइट तो देखिए तेलिया रुमाल इस यूनिक टाई एंड डाई टेक्निक अब टाई एंड डाई टेक्निक क्या होता है ये समझो कि इस तरह से जैसे मान लीजिए आपने किसी कपड़े को फोल्ड करा ठीक है फोल्ड करके अब इसको कलर प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है इस तरह से कलर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली शेडेड कलर में आएगा राइट इस कलर के अंदर आएगा शेडेड कहीं से व्हाइट रह जाएगा कहीं से ब्लू हो जाएगा ठीक है जैसे ये है फोल्ड करके अपन इसको क्या कर रहे हैं इसको कलर आ, मशीन के आगे लगा रहे हैं और कुछ जगह ये क्या हो जाएगा शेडेड ब्लू बन जाएगा किस कि, कि, किसी जगह डार्क रह जाएगा किसी तरह किसी जगह व्हाइट ही रह जाएगा कलरलेस ठीक है तो दिस इज नोन एज व्हाट दिस इज नोन एज यूनिक टाई एंड डाई टेक्निक इज दिस क्लियर ठीक है हा हैदराबाद ज्वाइंट कैपिटल यस ठीक है तो ये समझो तेलिया रुमाल इज यूनिक टाई एंड डाई टेक्निक दैट यूजेज ऑयल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द यार्न दैट हेल्प्स इट रिटेन द सॉफ्टनेस एंड हैज ए डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ जिंजैली ऑयल जिंजैली ऑयल का एक डिस्टिंक्ट स्मेल इसके अंदर आता है और इस सॉफ्टनेस इसलिए इसको क्या कर रहा है इसके लिए इसको तेलिया रुमाल बोलते हैं तेल वाला ठीक है तेल वाला रुमाल है और जिंजैली ऑयल की स्मेल आती है इसके अंदर ठीक है और सॉफ्टनेस भी होता है इट रिटेन द सॉफ्टनेस ये आपको समझ में आ गया तो यार जो होता है ना उसको उसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है यार का मतलब क्या होता है धागा जिस धागे से बनता है उसका स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है जिंजाली ऑयल से ठीक है तो उसके अंदर उसकी स्मेल रहती है और सॉफ्टनेस रहती है दैट्स वाई इट इज नोन एज तेलिया रुमाल ठीक है हाँ आई नो दैट ठीक है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश बोल रहा था मैं उनमें कंफ्यूजन है है ना हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के अंदर कंफ्यूजन है तो आई थिंक हैदराबाद इज द राइट आंसर राइट कि ये जो तेलिया रुमाल मिलता है वो हैदराबाद के अंदर चलिए नेक्स्ट इज गोरखपुर गोरखपुर टेराकोटा टेराकोटा क्या होता है टेराकोटा का मतलब होता है चिकनी मिट्टी ठीक है चिकनी मिट्टी जो पकी हुई मिट्टी होती पन, दिफ्रेंग 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 है ना जिससे अपन डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाते हैं तो गोरखपुर तेरा कोटा अभी क्या मिला है कि ये इसको जी टैग मिला है तो ऑब्वियसली ये कौन पॉटर्स मेक वेरियस एनिमल फिगर्स लाइक हॉर्सेज एलिफेंट कैमल गॉट ऑक्स विद हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन ठीक है तो ये क्या है चिकनी मिट्टी से नए नए शेप्स बनाते हैं जैसे हॉर्सेस एलिफेंट्स कैमल गॉट ऑक्स तो उसको बोल रहे हैं गोरखपुर टा राइट आई होप दिस है विच स्टेट फास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम राइट देआर मोर देन थाउजेंड वराइटी ऑफ टेराको वर्क डिसाइड बाई द लोकल क्राफ्ट तो आपको यह सब इसके अंदर याद रखना पड़ेगा बस ये रखना है गोरखपुर टेराकोटा का मतलब क्या होता है राइट नेक्स्ट इज सोराई खोवर पेंटिंग ठीक है सोराई खोवर पेंटिंग जो है ये झारखंड की है राइट झारखंड के लिए ये फेमस है ठीक है तो अब इसके अंदर देखो इट तो इज ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट ठीक है तो ये पूछा जा सकता है कैसा आर्ट है म्यूरल आर्ट है प्रैक्टिस बाय द लोकल ट्राइबल वुमेन इन द एरिया ऑफ जारीबाग डिस्ट्रिक ऑफ झारखंड इट इज डन डूरिंग द लोकल हार्वेस्ट लोकल हार्वेस्ट के टाइम पर ही किया जाता है और मैरिज सीजन के टाइम पर किया जाता है तो ये समझो कि सोहराई खोवर पेंटिंग जो होगी हार्वेस्ट और मैरिज के मैरिज uh, के टाइम पर की जाएगी यूजिंग लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉयल ऑन डिफरेंट कलर्स ठीक है नेचुरल कलर से ये इसके अंदर करता है अब इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स uh, को भी अपन बनाता है जैसे स्पैरो पिकॉक काऊ अगर आप देखोगे ये पेंटिंग तो ये पेंटिंग इस तरह से होती है राइट तो इसके अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे पिकॉक एनिमल है ठीक है आई थिंक दिस शुड बी वॉट दिस शुड बी काउ और कुछ ऐसा एनिमल होना चाहिए राइट इस तरह का एनिमल है तो इसके अंदर देखो स्पैरो पिकॉक स्क्विरल एंड काउ ये मेन एनिमल्स हैं जो किसके अंदर बनाते हैं ठीक है इस पेंटिंग के अंदर बनाते हैं राइट तो हम पढ़ रहे हैं सोराई खोवर पेंटिंग सोराई खोवर पेंटिंग क्या है झारखंड के अंदर है और इसके अंदर इस तरह की पेंटिंग होती है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर्स अपन इसके अंदर बनाते हैं राइट चलिए नेक्स्ट इज थवुर नेटिव वर्क ठीक थंजावुर नेटिव वर्क क्या है ये अपन समझते हैं तो यहां पर ये देखिए थंजावुर एक जगह है तमिलनाडु के अंदर ठीक है नेटिव वर्क का मतलब क्या है नेटी जो है नेटी वर्कस का मतलब क्या होता है कि एक है ना आप देखेंगे कि मार्शी एरिया के अंदर एक प्लांट उगता है ठीक है एक प्लांट होता है मार्शी एरिया के अंदर इसका नाम ये है ठीक है एस्कोन एस्कोनोमिनी एस्पेरा ठीक है ये जो प्लांट है ना इसकी लकड़ी से ये बनता है ठीक है अगर इस प्लांट के ऊपर देखेंगे तो इस तरह का इसका कवर होता है इस कवर को हटाएंगे तो वाइट कलर की वुड निकलती है वाइट कलर की वुड निकलती है ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है इससे बनाई जाती है व्हाइट कलर की वुड से अब ये वुड बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ही डेलिकेट होती है वुड इतनी डेलीकेट होती है कि इसको अगर नीचे पटक दो तो टूट जाएगी राइट तो इसके ऊपर जो वर्क करते हैं दैट इज नोन एज नेटिव वर्क आर विजिबल इन द ब्रिदेश्वर टेम्पल गार्डेंट्स आइडल्स और हिंदू डेटीज डोर हैंगिंग एंड डेकोरेटिव आइटम्स ठीक है अब ठंजावर के अंदर आ, अगर आप देखेंगे तो ये जो वर्क है ये कहां पर यूज करते हैं ब्रिदेश्वर टेम्पल के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं राइट तो आई होप दिस इज क्लियर टू नेटिव नेटिवर्क आर प्रोड्यूस इन द दंजावुर ठीक है कुंबा कोनम एंड पुडी कोटाई राइट right? यहाँ पर इसको क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं थंज, थंजावर नेटिव नेटीवर्क्स तो नेटिव नेटीवर्क का मतलब समझ गए हम और देखिए ये जो वुड होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है उसको बहुत ही डेलीकेटली यूज़ किया जाता है ठीक है और ये इतना होता है कि अगर ये नीचे गिर जाए तो टूट जाता है राइट तो इसलिए इसको क्या करते हैं इसको कांच के अंदर अपन रखते हैं देखिए कांच के अंदर इसको रखा जाता है और ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे मार्बल का हो या कि आइवरी का हो ठीक है ऐसा लगता है ये कि इसका इस से ये बना है, से, पर ये बना, होता है, ये से? ये से बना होता है जैसे मैंने आपको दिखाया उस है उस वुड से राइट तो पिथ वर्क इसको पिथ वर्क मॉडल बोलते हैं ग्लास बॉक्स ग्लास बॉक्स में लिखा जाता है look, तो सफेद कलर का होता है क्योंकि सफेद कलर की वुड है तो उसको इस तरह से इसके बोला जाता है राइट होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन इज कंडी साड़ी ठीक है कंडगी साड़ी जो है इसको जी आई टैग मिला है राइट और तमिलनाडु के अंदर इसको जीआई टैग मिला है राइट अभी अपन कंडा की साड़ी पढ़ रहे हैं इसके अंदर इसको जीआई टैग मिला है कहां पर तमिलनाडु के अंदर ठीक है ये लास्ट ईयर का अपन ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था तो देखिए कराई कुटी तालुक इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु तो ये तो अपन को याद नहीं करना है ठीक है अपन को तो सिर्फ याद करना है तमिलनाडु के अंदर है हाई क्वालिटी कॉटन की कॉटन होता है कॉम्बेट kombet, कॉम्बेटोर uh, के अंदर से हाई क्वालिटी कॉटन मिलता है उससे कंडकी साड़ी बनती है राइट और देखिए इसके अंदर ये सब नाम याद नहीं रख करने पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कंडगी साड़ी कॉटन साड़ी आर मेड बाय द बाईर्स ऑफ देवा देवांगा चटियार्स ठीक है फॉर वुमेन ऑफ चटियार कम्युनिटी तो ये याद कर लो बस चटियार कम्युनिटी की वीमेन्स इसको बनाती है चटियार कम्युनिटी की वीमेन्स बनाती है यह अपन को याद करना है कंडगी साड़ी राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कंडगी साड़ी जो है चटियार कम्युनिटी की जो वेमेंस बनाती है और इसके अंदर अपन को यह भी याद रखना है कि तमिलनाडु से रिलेटे है इस के अंदर इसको जीटेक मिला। जीटेक मिला है है, -चोड़, है कॉन्ट्रास्ट और लार्ज बॉर्डर्स होती है इसके अंदर ठीक है कवरिंग एज फार एज टू थर्ड ऑफ द साड़ी टू थर्ड ऑफ साड़ी को कवर कर लेती है टू थर्ड साड़ी के अंदर बॉर्डर है राइट नेक्स्ट इज डिंडीगुल लॉक डिंडिगुल लॉक की भी एक खासियत है कि ये सबसे ये ताले बहुत मजबूत होते हैं और ये डिंडुबुल लॉक अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो गॉड द मतलब जे आई टैक फ्रॉम द तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु स्टेट को इसके लिए जे आई टैक मिला है राइट अब ये देखिए मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था कि डिंडुगुल लॉक जो होता है ना वो डिंडुगुल एक जगह का नाम है राइट वहां पर मिलते हैं राइट और वहां पर बहुत सारा आयरन का अबंडेंस है मतलब बहुत सारा आयरन मिला जाता है इसके कारण यहां पर बहुत सारे इस तरह के लॉक की फैक्ट्रीज बनी हुई है तो देखिए अगर हम देखेंगे तो थ्री वन टू फाइव लॉक देयर इन राइट और इन लॉक जो होते हैं ठीक है ये लॉक जो होते हैं दैट इज वेरी वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग ठीक है और इनको यूज किया जाता है जेल्स प्रेजेंस के अंदर राइट प्रेजेंट्स के अंदर गोडाउन के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर टेम्पल्स के अंदर भी इन लॉक्स को यूज कराया जाता है और ऐसा माना जाता है कि मशीन से जो लॉक बनाते हैं उससे भी ज्यादा Uh, जो पावरफुल लॉक्स हैं राइट right? और इस सिटी को लॉक सिटी भी बोलते हैं डिंडुगुल सिटीज को लॉक सिटीज भी बोलते हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है अच्छा यहां पर लॉक क्यों बन रहे हैं क्योंकि यहां पे आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जा रही है ठीक है और इससे ये लॉक बना देते हैं तो पूरी सिटी को ही डिंडुगुल सिटी बोल दिया गया है और पूरी सिटी को ही लॉक सिटी बोल दिया गया है इसके अंदर राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन एनी डाउट चलिए तो नेक्स्ट अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे दैट इज वार वुड कार्विंग अरुम्बवार वुड कार्विंग इसके अंदर अपन को पढ़ना है और यहां पर ये देखिए ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है राइट इसको भी तमिलनाडु के तमिलनाडु को जी आई टैग मिला है अरुणवुर वुड कार्विंग के लिए और ये देखिए ये जो वुड होते हैं बहुत ही सॉफ्ट वुड होती है ठीक है इन ट्रीज से ये मिलती है लिंगम ट्रीज मैंगो ट्रीज इंडियन एश ट्रीज वगाई मवेल लंगी ट्रीज अतिथि वेम्बू ये ट्रीज के नाम है इन ट्रीज से ये वुड मिलती है और उस वुड से अपन मूर्तियां बना देते हैं ठीक है उस वुड से मूर्तियां बनाते हैं उस वुड से कार्विंग करते हैं राइट इस तरह से ये कार्विंग कर रहे हैं एक पूरी वुड थी उसके ऊपर कार्विंग करके अपन ने ये मूर्तियां इसके अंदर डिजाइन कर दी इस तरह से यहां पर देखते हैं दिस इज अरुण वुड कार्विंग राइट आई होप दिस इज क्लियर चलिए आर्टिस्ट मेक वुडन कार्ड फॉर टेम्पल्स स्टेच्यूज डेकोरेटिव ठीक है एंड अदर वुड एंड प्रोडक्ट ऑफ द वेरियस काइंड क्राफ्ट एंड फॉलो रूल्स ऑफ आइकोनोग्राफी प्रिस्क्राइब इन शिल्प शास्त्र ये आपको याद रखना है शिल्प शास्त्र के अंदर जो लिखा हुआ है कि किस तरह से अपन क्या करते हैं कार्विंग uh, करते हैं वुड कार्विंग करते हैं उसको ये फॉलो करते हैं टेम्पल कार्ड्स आर मोस्ट मेड ऑफ इलुपाई एलुपाई वुड से बनती है ये टेम्पल कार्ड्स ठीक है जैसे रथ होते हैं उसको बोल रहे हैं अपन टेम्पल कार्ड्स यहाँ पे दे आर हैंडमेड विद आर्टिजन यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स ठीक है कोई मशीन इसके अंदर यूज नहीं होती राइट नो मशीन इज यूज फॉर द डिफरेंट कार्विंग किसी कार्विंग के लिए कोई मशीन इसके अंदर यूज होती नहीं है right? ठीक है और ये विमेन के द्वारा पहना जाता है मेनली विमेन का सॉल है ठीक है कोई मैन पहना हुआ हो तो उसका मजाक उड़ जाएगा ठीक है कपड़े के, के आ, अंदर ये माना जाता है राइट right? तो इसको मिजोरम के अंदर यूज होता है मिजोरम ठीक है और मिजोरम के फेस्टिवल्स के अंदर यूज होता है ठीक है स्पेशली डांस जो होता है ना डांस तो ऐसी ड्रेस पहन के मिजो पंचाई पंची पहनकर क्या होता है इन द डांस वांस वाले फेस्टिवल्स जो होते हैं क्योंकि यहां पे बहुत सारे डांस के फेस्टिवल्स भी होते हैं मिजोरम के अंदर ठीक है और इस तरह से इसको शॉल को पहनकर ही करते हैं राइट तो देखो इट इज कलरफुल मिजो शॉल कंसिडर्ड एसेंशियल बाय मोस्ट वुमेन फ्रॉम द स्टेट कॉमन कॉस्ट्यूम इन द मिजो फेस्टिव डांस and official ceremonies okay it is made by the weavers by inserting designs and motifs by using supplementary yarns while weaving to the create its beautiful alluring textile ठीक है इस तरह से इसको अपन को याद करना तो मिजो पहुंचे तो अपन को याद ही रखना है कि मिजो से मिजोरम हो जाएगा राइट और एक शॉल है जो विमेन पहनती है ठीक है ये आप इसके अंदर समझ सकते हैं राइट चलिए नेक्स्ट इज तिरूर बीटल लीफ ठीक है तिरूर बीटल लीफ क्या होता है ये जो लीफ है ना जैसे लीफ से आप याद कर सकते हो कि भाई केरला के अंदर क्या होता है बहुत ही ज्यादा हरियाली है ठीक है तो केरला के अंदर है ये तिरूर बीटल केरला के, के अंदर पान का पत्ता होता है ना वैसा ही राइट तो इसके अंदर है ना अब इसके अंदर क्या है कि आ, इसके अंदर एक क्लोरोफॉर्म मिलता है इसके अंदर इससे ये इतनी ज्यादा चमकती हुई ग्रीन है ठीक है और प्रोटीन भी मिलता है इसके अंदर है ना तो ये इसकी खास बात है प्रोटीन आल्सो फाउंड इन दिस राइट तिरूर बीटल लीफ के अंदर प्रोटीन भी मिलता है और इसका ना बहुत ही अच्छा सुगंध होता है इसका ठीक है इसीलिए इसको यूज़ करते हैं ठीक है सुगंध होता है बेटर लीफ है तो मतलब पान के पत्तों के अंदर पान के पत्ते जो होते हैं ना पान के अंदर जो यूज़ करते हैं वैसी लीफ है इसका बहुत अच्छा सुगंध होता है और एज वेल एज फ्लेवर ठीक है तो अरोमा और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा होता है ठीक है तो ये इसकी खासियत है जो आपको इसके अंदर समझ में आनी है इसके अलावा इसके हेल्थ के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा देखिए मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर ये पाया जाता है तिरूर वटिला इसका नाम है पूरा इज यूनिक फॉर इट सिग्निफिकेंटली हाई कंटेंट ऑफ टोटल क्लोरोफिल एंड प्रोटीन इन द फ्रेश लीव्स जैसे मैंने आपको बताया था क्लोरिन क्लोरोफिल और प्रोटीन इसके अंदर मिलता है यूनिक फ्लेवर है इसके अंदर एंड अरोमा मतलब इसकी सुगंध यूनिक है और इगोनॉल इज द मेन असेंशियल ऑयल इन द तिरूर बिटल लीव क्रीब्यूटिंग टू इट्स पंजेंसी ठीक है पंजेंट स्मेल देता है ये तो ये ऑयल के कारण ये इजेनॉल जो है इसके कारण ये पंजेंट स्मेल देता है राइट right? अब यहाँ पर देखो हेल्थ बेनिफिट्स के कितने सारे हैं इट इज गुड फॉर डायबिटिक्स डायबिटीज ठीक है डायबिटीज वाले लोगों के लिए गुड है ठीक है इसको खा सकते हैं आप इट इज़ एन एंटी कैंसर एजेंट सोच कर देखो इट हेल्प्स हील वॉन्ट्स ठीक है पत्ता कितना ज़्यादा ये हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है इट हेल्प्स विद डिप्रेशन तो इसको अगर कहीं मिले तो तोड़ के खा जाना तो प्रेलेम्स क्योंकि आने वाला है तो डिप्रेशन में होंगे तो इट हेल्प्स विद डिप्रेशन इट लोवर्स योर कोलेस्ट्रॉल ठीक है इट हैज़ एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी इट हेल्प्स विद अस्थमा इट इम्प्रूवसो राइट सो इतना सारा इसका क्या है इतनाजी नींबू right? so, अब कांजी नींबू क्या है नींबू है ये नींबू ठीक है नींबू मतलब लेमन राइट वह है तो कांजी कांजी जो होगा आपको याद रखना है कांजी जो होता है ठीक है और वो होगा आसाम के अंदर ठीक है तो ऐसे समझो कि एक सैम नाम का एक लड़का था ऐसे याद कर लो कुछ ठीक है उसके घर में भूत भूत आ गए थे ठीक है तो एक काजी के पास गया कि उसने उसको नींबू दिया कि ये नींबू लाल हो जाए तो उसका मतलब भूत है घर में ठीक है तो ऐसे याद कर लो सैम काजी नींबू इस तरह से याद हो जाएगा ये राइट चलो इलॉन्गेटेड ये है ना नींबू वैसे नहीं होते जैसे अपने घर में मिलते हैं ठीक है इलागेटेड नींबू होते हैं इस तरह के राइट एंड ऑबलोंग कंपेयर टू अदर लींबू दिस लेमन हैज हायर जूस कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा जूस होता है राइट एंड इट इज पॉपुलर लेमन इन द

ठीक है, तो चिल्लोने के लिए हम जाते हैं गोवा ठीक है तो गोवा से, से याद कर लो खोला चिल्ली गोवा राइट तो बहुत ज्यादा रेड कलर की हिल स्लोप ऑफ द है कोना के हिल स्लोप के अंदर ये मिलती है राइट एरिया का नाम है, राइट खोला चिल्ली इज द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द गोवा टू गेट द जी आई टैक पहली बार जी आई टैक मिला है किसको गोवा को किसके कारण मिला है ची, खोला चिल्ली के कारण ये मिला है राइट द यूनिक खोला चिल्लीज आर ग्रॉन्स ऑन दिल्स अंडर द रेनफेड कंडीशन ऑनली ये भी है कि भाई ये जो मिर्च का प्रोडक्शन uh, होता है ये रेनफेड कंडीशन uh, में होता है लोकल सॉयल एंड क्लाइमेट प्लेज ए क्रूशल रोल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द चिल्ली वराइटी इज दिस क्लियर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन एंड दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास ठीक है अब आपके सारे जी आई टैक कंप्लीट हो गए जी आई टेक दो वीडियोज बने टैग नंबर वन ठीक है एंड टैग नंबर टू राइट दो वीडियो बनाए बन, तो दिस वॉज अ पार्ट सेकेंड और जी आई आपके कंप्लीट हो गए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर है दो साल के जी आई आपके इसके अंदर कंप्लीट हो गए सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो अपन करेंगे अब वो पर्सन इन न्यूज पर्सन इन न्यूज करेंगे और फिर प्लेसेज इन न्यूज़ करेंगे ये दो चीजें और अपन करेंगे दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट राइट सो तो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास थैंक यू सो तो मच तो बाय तो बाय टेक केयर एंड